हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, मेरा नाम है जे और आज मुझे स्पेशली ऑगी ने इस विलेज में इनवाइट किया है। उसने मुझे बोला कि कोई कुछ चीज है उसके पास जो कि वो कंफ्यूज्ड है उस बारे में। तो अब पता नहीं कहाँ रह गया गाइस, उसने तो मुझे इसी विलेज का पता दिया था, कोऑर्डिनेट दिए थे और मैं तो यहाँ पे पहुंच गया। एक मिनट, यहाँ पे विलेजर वगैरह तो फिर से तो नहीं बन गया। एक मिनट, ये विलेज मंगलू नाम का विलेजर है यहाँ पे यार। ये ऑगी है कहाँ पे? विलेजर ने तुझे दिया? एक मिनट, ये जहां कहां पे रहा है, लेके कहां पे जा रहा है मुझे? यहाँ पे इतने सारे विलेजर्स की पार्टी हो रही है। एक मिनट, ये सांबा जगीरो, ओ भाई ये कैसे विलेजर है यहाँ पे? ये तो पूरा बॉलीवुड का पुराना 1980s का यहाँ पे विलेज तूने बनाया हुआ है। एक मिनट, एक काम कर, इधर आ। ये कौन से ये शिकारी लग रहे हैं यार मुझे सही में, इमली शिकारी। ओ ये देख, वैसे इसने वो आंख के ऊपर पट्टा भी डाला हुआ है, शिकारी है यार। ये कौन है? जॉन सीना। ये कहां से आ गया है? मॉडर्न डेज में जॉन सीना भाई, पुराने दिनों में नहीं। ओए इनसे भागो यार, ये कहीं मेरा शिकार ना कर ले। एक काम कर, इधर आओगी, ये स्ट्रक्चर पता है कहीं ना कहीं रख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या। भाई एक काम कर, कोई खुली जगह में चल। खुली जगह मतलब कि एक काम करता है, यहाँ पे ठीक रहेगा। इधर इधर रखता हूँ मैं, देख इधर कहाँ गया ये होगी। नहीं होगी, कहाँ गया ये? आ गया, आ गया। होगी देख, तेरा स्ट्रक्चर मैं इधर रखता हूँ। ये विलेजर पता मुझे बहुत ही डॉजी लग रहे हैं। तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मतलब कि इस स्ट्रक्चर में होगा क्या, ठीक है ना? जितनी कमेंट्स आप कर सकते हो करो। एक काम करते हैं, इस ग्रास को क्लियर करके इधर मैंने स्ट्रक्चर रख लिया। ओ माय गॉड, ओए यहाँ पे एक एनिमेशन है। इससे पीछे हट यार, यहाँ पे TNT विस्फोट ना हो जाए। ओए TNT, मुझे लग रहा है कि भाई इसमें TNT कोई एक्सप्लोजन होगा। ओए एक मिनट, ये तो सारा का सारा ग्रास का पहाड़ बन चुका है। ओ यहाँ पे एक सीक्रेट कोड है। ओए दबाइयो मत, अगर कोई गलत हो गया ना, अगर कुछ ना कुछ गलत हुआ तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई थिंक गलत होने पे ऑब्वियसली सही मशीनों पे भी भाई वो बंद हो जाती हैं और अलार्म शुरू हो जाता है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि TNT वगैरह फट जाएंगे। एक काम कर, इधर विलेजर्स के घर के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट कोड वगैरह इनके पास होगा। ये मुझे लगता है सामान है कहीं ना कहीं छुपाया होगा, इतना मैं तुझे गारंटी में देता हूँ। एक काम कर, इन सबके एक काम कर, मुझे फॉलो कर और इनके सबके घरों के अंदर जो है ना चेक करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल तो पड़ा हुआ है और इस चेस्ट के अंदर इसने क्या रखा है? पॉटजोल, ओक सैपलिंग। एक मिनट, जैसे इन्होंने रखा था वैसे ही मैं भी रखूंगा, वैसे रखा है। एंड देयर्स टू लीव्स हियर, स्प्रूस डोर, पॉटजोल यहाँ पे और यहाँ पे ओक सैपलिंग। लेकिन ये कोई रेसिपी लग रही है यार मुझे। आई थिंक ऑगी की ये कोई रेसिपी। एक काम करते हैं, इसको क्राफ्टिंग टेबल में डाल के देखते हैं। वेट, जंगल हाउस। ऑगी मुझे इसने जंगल हाउस दिया। एक मिनट, लगता है मुझे इसमें भी कुछ है। अरे इन्होंने ये सीक्रेट कोड इन सीक्रेट बेसिस में छुपा के रखे हैं। अब मुझे समझ आया। ओ दूर हो जा भाई, यहाँ पे बिजली कड़क नहीं है यहाँ पे अभी। ओके यहाँ पे एक तो इतने एनिमेशन आ रहे हैं ना इनके से, वो ये क्या है? एक मिनट, अगर मैं नीचे जाऊं तो सीधा का सीधा, ओए नीचे कुछ भी नहीं है। नीचे यहाँ पर भी कुछ नहीं है या, ओ ये रहा डोर। एक मिनट भाई, तू पहले जा, मुझे डर लग रहा है भाई, तू पहले जा। ओगी तू पहले जा। अच्छा तू मेरे से बहुत बड़ा डरपोक है। अबे मार तो नहीं यार, अच्छा जा रहा हूँ भाई, ये मुझसे बड़ा डरपोक निकला। एक मिनट गाइस, यहाँ पे सीक्रेट, वेट यहाँ पे एक सीक्रेट बेस है इनका गाइस। तो मतलब अगर विलेजर्स पे किसी ना किसी बंदे का अटैक हो गया या किसी शिकारी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो गाइस ये सीक्रेट बेस अपने स्पॉन करके ये छुप जाती हैं। बिकॉज अगर हम ऊपर जाए तो इट लुक्स लिटरली द सेम एज लैंड। तो गाइस मतलब कि ये बिल्कुल ही ग्रास ब्लॉक वहां पे लगाई हुई है। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा इन्होंने एक बैठा, तो गाइस ये लगता है कि ये ब्लैक, ओए डायमंड की पिकैक्स और इसके पास स्वॉर्ड है। ओए इसने मेरी स्वॉर्ड पकड़ ली। ए स्वॉर्ड, चले काम कर, तू अपने पास ही रख स्वॉर्ड, अपने पास ही रख, मुझे मारी मत। एक मिनट, यहाँ पे एक बुक है ओगी, मुझे लग रहा है कि सीक्रेट कोड इसी में। द सीक्रेट कोड इज 3...। ओके तो पहला डिजिट 3 है, इतना मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे विलेजर्स पता है बिल्कुल साथ में एकता बना के काम कर रहे हैं। एक काम कर, चल और विलेजर्स के घरों के अंदर देखते हैं कि क्या वो सीक्रेट बेस उनके पास भी ना हो। वी आर ऑन अ हंट टू फाइंड सीक्रेट बेसिस गाइस। यहाँ
ओए शॉप के यहां पे एक चेस्ट है, ओगी इधर आ, इस शॉप के अंदर चेस्ट है एक। ओक लीव्स, ओके आई गॉट अनदर रेसिपी, आई हैव गॉट अनदर रेसिपी। और ये ओमेगा ट्री, ओगी एक काम कर, ये वाला क्राफ्टिंग टेबल उठा और सारे के सारे घर चेक कर, जब तक मैं ये वाला घर जो है ना वहीं पे आसपास ही स्पॉन करके चेक कर तो कि भाई इसमें कौन सा कोड है, ताकि भाई ये सारे के सारे सीक्रेट कोड्स हम कंबाइन कर सकें और भाई हमें फाइनल कोड मिल सके उस बेस का। एक काम करते हैं, मैं तो भाई यहाँ पे इस घोड़े के पास ये वाला घर जो है लगा रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस। वो इतना बड़ा ट्री हाउस, ओ ये इतना बड़ा ट्री हाउस किसका है यार, ये तुझे क्या लगता है किसका होगा ये? एक मिनट, यहाँ पे एक ट्री है लेकिन इसकी एंट्री कहाँ पर है? वेट, वेयर इज द एंट्रेंस? भाई इसकी एंट्री कहाँ पर है? यहाँ पे कोई टिकटॉक हैक्स वगैरह तो वो यूज नहीं किए इन्होंने? एक मिनट, यहाँ पे यहाँ तक है, एक मिनट, इस ट्री का कुछ ना कुछ फंडा तो है, इस ट्री का कुछ ना कुछ। ओ ये रहा, एक लीवर यहाँ पे है, खोल खोल गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट एंट्रेंस है। ओ भाई ये ट्री हाउस सच में जबरदस्त है यार, बिल्कुल मतलब अगर बाहर जाओ तो गाइस इट लुक्स लाइक अ मैसिव ट्री। और ये एक्चुअली में कोई जंगल के अंदर अगर स्पॉन कर लो ना भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई ये कोई सीक्रेट बेस है। काम करते हैं, एक मिनट, द कोड इज 37**, तो गाइस हमें सेकंड लेटर कोड का मिल चुका है, सेकंड नंबर 37। तो अब हमें भाई और कोड की जो है तलाश है। एक काम करते हैं, लगता है मुझे भाई और चीजें कुछ ना कुछ तो होंगी यहाँ पे इनके इन विलेजर्स के घर में, तो चलिए वहां पे जाके सबके सब घर जो है छान मारते हैं। यार इन घरों में तो नहीं है, एक काम करते हैं इस घर के अंदर चेक करते हैं, आई थिंक गाइस इस घर के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। ओ वेट, यस वी गॉट वाटर बकेट, स्टोन, आयरन डोर और स्टोन। एक काम करते हैं इधर ही फटाफट से ये क्राफ्ट करते हैं यार, क्योंकि गाइस हमें फटाफट से ये जो है क्या नाम है वो TNT का वो फाइंड करना है गाइज, वो कोड, सीक्रेट कोड। नहीं तो आई थिंक कि अगर कोई टाइमर वगैरह भी ना हो, एक काम करते हैं गाइज दूसरा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कोई नहीं है, वो भी हम यहाँ पे अभी के अभी चेक कर लेते हैं, क्या पता इन्होंने दूसरा स्ट्रक्चर वगैरह जो है यहाँ पे रखा ना हो। एक मिनट, ओगी क्या कर रहा है यार ये? नहीं ओगी पिकेक्स के साथ तुम क्या कर रहे हो यार? एक काम करते हैं इधर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। ओए एक मिनट, इस चेस्ट के अंदर वेट, स्टोन, ओ एक काम करते हैं इसको ना इसको सेपरेट रखते हैं, माइन कोव, अ केव, तो गाइस ये सीक्रेट केव है। एक काम करते हैं ये दोनों की दोनों चीजें वहां पे स्पॉन करते हैं। आई थिंक गाइस कि अभी और घरों के अंदर कुछ नहीं है, आई थिंक इन्हीं के अंदर ये जो है सीक्रेट कोड मुझे मिल जाएगा। अबे बहुत हिला मत उसको, वो इतना बड़ा वाटरफॉल, एक मिनट, अगी यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है, यहाँ पे फायर, अच्छा फायर भी इन्होंने रखी हुई है। कैमरा, अबे कैमरे से बच, यहाँ पे कैमरे को तोड़ दे, तोड़ कैमरे को, यहाँ पे तोड़ दे सारे के सारे कैमरे को तोड़ भाई, अभी सारे के सारे कैमरे को तोड़। और ये ले, अबे टूट के नहीं रहा ये वाला कैमरा, अबे यार यहाँ पे कैमरे भी लगाए हुए इन्होंने सही में यार। एक मिनट, इस सेंटर चेस्ट में अंदर नहीं है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। ये चूना लग गया भाई, इस किसी की कोई भी चेस्ट के अंदर नहीं है और बैरल के अंदर भी कोई भी सीक्रेट कोड नहीं है भाई, इस कैमरे को कौन तोड़ेगा मामा? एक मिनट, ओके तो गाइस इस कैमरे को भी हमने तोड़ दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक काम करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या पता उसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ये रामायण को, ओके तो एक काम करते हैं, भी ये कौन है मंगलू यहाँ पे घूम रहा है, ये नजर हमारे ऊपर कड़ी रख रहा है। एक काम करते हैं ये केव जो है ना गाइज यहाँ पे स्पॉन करते हैं, आई थिंक इट शुड गिव अस समथिंग, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यही लास्ट स्ट्रक्चर है और इसमें लगता है कोड होगा, क्योंकि ये इतने ब्लॉक्स के साथ बना हुआ है ये केव का स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई ये दिस मेक्स इट द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आई थिंक इन्होंने इसी के अंदर ही अपना टूल वगैरह जो है यहाँ पे छुपाए होंगे। वो अब ये क्या, ये एक स्टोन, ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे एक स्टोन, इतना सारा डायमंड, इतना सारा एमराल्ड भाई। एक मिनट, यहाँ पे तीन चेस्ट है, एंडर चेस्ट एम्प्टी, कोड इज 3727 भाई साहब, लेट्स गो। यहाँ पे ढेर सारा रेडस्टोन पड़ा हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे जे ब्लास्टर version 2, ये क्या भाई, Efficiency 5, Silk Touch, अरे ये जबरदस्त पिकैक्स। एक मिनट, ये कोड मैं अपने पास रख लेता हूँ भाई, हमें कोड जब तक अगर भूल ना जाए। एक मिनट, ओगी इधर आ, ओगी कहाँ गया, ओगी ये ले भाई, ये वाली पिकैक्स उठा यार, ये जबरदस्त
पिकैक्स है, एफिशिएंसी 5 वगैरह की। गाइस एक ही बारी में माइन कर रही है यार, ये तो सही में इतने सारे डायमंड्स दे रही है भाई। ये पिकैक्स सच में एक ट्रेजर है कोड के साथ। एक काम करते हैं, लेट्स गो नाउ टू दैट स्ट्रक्चर और भाई वहां पे कोड डालते हैं एंड लेट्स सी कि भाई वहां पे है क्या। ये कोड है 3 एक मिनट, ये रहा 3 और 7 2 5। एक मिनट, क्या खुला, कहां से क्या खुला। ओगी तुझे दिखा कुछ? ओ ये ओगी ओए यहाँ पे एक और सीक्रेट बेस है। ओपे गाइस देयर इज अ सीक्रेट बेस यार, ये कोड के साथ ऑपरेट होता है। एक मिनट यहाँ पे ये क्या रख रहा है? ओए एक मिनट, मैं यहाँ पे आजा, आ रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए यहाँ पे तूने चौकी रखी हुई है, क्या बात है यार, थैंक यू वेरी मच यार। यहाँ पे ओके, यहाँ पे तूने लैडर भी तोड़ दिया होगी, क्या कैसा बंदा यार। एक मिनट, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे आर्मर्स हैं, यहाँ पे बेड है, ये एक फुल ऑन इन्होंने सीक्रेट बेस प्रेपरेशन करी हुई है। ऑगी देख यार क्या खतरनाक सीक्रेट बेसेस इन्होंने बनाए हैं यार। तो एक मिनट, इस टेस्ट के अंदर क्या, ओ माय गॉड यहाँ पे कितने सारे टूल है यार। डायमंड स्वॉर्ड, प्रोटेक्शन 4, रेस्पिरेशन 3, रिप्टाइड 3, अनब्रेकिंग शार्पनेस, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इनके अंदर क्या है? आयरन का फुल ऑन स्टैक्स। अरे इन्होंने वॉर के लिए तैयारी की हुई है, वहां पे गोल्ड है। एक मिनट, यहाँ पे ये डायमंड्स, एमेरल्ड्स, भाई साहब इन्होंने खूब वॉर के लिए तैयारी की हुई है। तो गाइस ये थे सीक्रेट बेसिस विच यू कैन क्राफ्ट विद एनी ब्लॉक यार। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्या नाम है वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ यू डिड देन लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये बिल्ड एक्चुअली में आप यूज कर सकते हो अपनी सर्वाइवल में, आपको सीक्रेट बेस अगर बनाना हो। तो चलो अब मैं निकलता हूं, टेक केयर, बाय बाय।